नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कुछ कंपनी के ऊपर अभी समय आ चुके हैं इस कंपनी के ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि शानदार तरीके से जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से हाई वॉल्यूम से क्वांटिटी बाइंग किया जा रहा है, तो मुझे लगता है एक शानदार जर्नी अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिलेगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट, देखिए राजेश एक्सपोर्ट का हालत ठीक होने में अभी भी टाइम लगेगा, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इसका 240 लेवल्स एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। अभी देख सकते हैं कंपनी के ऊपर ये 240 लेवल्स है, 240 लेवल्स, और उसके नीचे लेवल कौन सा है, 225 लेवल्स। ये दो लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल है, और इसी दो लेवल तक कंपनी आने के लिए कोशिश करेंगे। इसी दो लेवल को टच करने के लिए कंपनी कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से करेक्शन हुआ उसके पीछे बिग रीज़न यही है कि कंपनी का सेल्स और उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट डाउन होना। खुद ही इस डेटा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेल्स देखिए जो एक टाइम 85,000 करोड़ के आसपास सेल्स किए थे पिछले सालों में, और वो आज सेल हो चुके हैं 60,000 करोड़। चलो यहाँ पे फिर भी मैं मान लेता हूँ कि कंपनी का फिर से सेल्स पॉजिटिव होने के बाद थोड़ा सा डाउन हुआ, तो प्रॉफिट ग्रोथ तो पूरा के पूरा मतलब अलग हो गया। प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 309 करोड़ से गिरते 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 कहाँ तक आ चुके हैं, सिर्फ 11 करोड़ के आसपास। तो 309 करोड़ से 11 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं, 11 से 12 करोड़। तो सोचिए कंपनी में कहाँ से कहाँ तक करेक्शन देखने को मिला, किस हद तक, किस लेवल तक करेक्शन देखने को मिला, जो कंपनी के लिए एक वीक फॉल माना जाता है। तो मतलब कंपनी के ऊपर इतनी ज़्यादा अगर सेलिंग प्रेशर हो, सॉरी मतलब प्रॉफिट कम हो गया, तो कंपनी में तो गिरावट होगा ही। क्योंकि देखिए पिछले क्वार्टर्स में तो फिर भी 31 करोड़ का लॉसेस था, और इस बार उसको रिकवरी करके 11 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो ओवरऑल जो कंपनी का ग्रोथ है, तो ग्रोथ अभी रुक चुके हैं। अभी खुद ही चार्ट को देख लेना कि कंपनी आज का करेक्शन नहीं है, टोटल ओवरऑल बात करो कंपनी बहुत ऊपर से गिर रहा है। ओवरऑल इसका जो हाई था वो हाई निकल का है कहाँ पे, अराउंड आप देख सकते हैं 1029 के आसपास, 1029 से आज 290 के आसपास चल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं इस कंपनी को टॉप से देखूँ, टॉप से अगर करंट लेवल तक देखूँ, तो ओवरऑल इस कंपनी का जो करेक्शन हुआ वो ऑलमोस्ट 70% के आसपास। तो कोई भी स्मॉल कैप टाइप कंपनी अगर 70, स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी अगर 70% के आसपास क्रैश हो जाए, अगर उस कंपनी का फंडामेंटल ठीक है तो उस कंपनी के ऊपर फिर से रिकवरी हो जाएगा। तो कंपनी का फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है वो दिखाने के लिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे राजेश एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, अगर मैं इसको कैपेक्स के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी का कैपेक्स कुछ भी नहीं है, मतलब अभी फिलहाल के लिए कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये भी है कंपनी के ऊपर जो गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट के ऊपर 100% कंपनी काम करते हैं, और टोटली जो है कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है वो गोल्ड माइनिंग के ऊपर भी है, गोल्ड रिफाइनरी के ऊपर भी है, साथ ही साथ गोल्ड के खुद के सेलिंग आउटलेट भी है। मतलब कंपनी पूरा का पूरा एक चेन सिस्टम के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं, और बेसिकली कंपनी का यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, और साथ ही साथ देखा जाए तो चाइना में, साथ ही साथ कुछ वेस्ट कंट्रीज में भी कंपनी का बिजनेस होता हुआ देखने को मिले। तो इंडिया में जितना बिजनेस हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा अमेरिका और यूरोप में हो रहा है, और यही सबसे बड़ा कंपनी के लिए दिक्कत पॉइंट बने, क्योंकि यूएस जैसे कंट्रीज़ के ऊपर, यूरोप जैसे कंट्रीज़ के ऊपर अभी रिसेशन जैसे सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं है, बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, और लोगों के मतलब बिजनेस थोड़ा सा मतलब वीक हो गया, तो जिसके चलते है जो कंट्रीज़ में लोगों के पास में जॉब जा रहा है, लोगों के पास पैसा कम हो रहा है, क्या वह उस टाइम लग्जरीज प्रोडक्ट को खरीदारी करेंगे, बिल्कुल नहीं ना। तो यही कारण के वजह से मुझे लगता है एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है, आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है इरिडा, तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी। देखिए इरिडा के ऊपर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि इरिडा क्या फ्यूचर में एक मल्टीबिलियन कंपनी बन सकते हैं। देखिए मैं इरिडा के ऊपर एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि आज देखिए जिस तरीके से सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर एक ट्रेंडिंग माहौल बन रहा है, तो उस सेक्टर में जुड़े हुए जितने सारे कंपनीज है उसका भी ट्रेंडिंग बनेगा। जैसे देखिए इरिडा ने क्या किया,
कि जब कंपनी लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी कभी नीचे ही आया ही नहीं। कंपनी लिस्टिंग होने के बाद लगातार हायर हाई करते चले गए और थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ था। एक पैटर्न स्केट किया और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग वो टारगेट को भी अचीव किए। फिर से देखिए, एक पैटर्न स्केट हुआ, उसके अकॉर्डिंग कंपनी फिर से आप एंटी होने के लिए आ रहा है। वो एंटी किस तरीके से बन सकते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे 1 2 3, तीन के तीन बायो कैंडल बने और इसके अकॉर्डिंग मुझे चाहिए था इस नीचे लेवल को जब टच करेगा, नीचे लेवल मतलब कौन सा, 230 के लेवल जब टच करेगा तो मैं यहाँ पे एंटी लेने वाला हूँ। और मैं इस जगह पे एंटी इसी ले लूँगा क्योंकि मुझे इस तरीके से स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करना है, जो स्ट्रैटेजीज मुझे बहुत हद तक प्रॉफिट दिया है। क्योंकि इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में मैं जब भी काम करता हूँ फंडामेंटल फाइनेंशियल को जरूर चेक करता हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं कि पैटर्न कभी भी मिले तो मैं उसके ऊपर काम कर लूँगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो जब भी आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न्स मिले तो आपको वॉच करना चाहिए, क्योंकि इस पैटर्न्स में होगा क्या, जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब यहाँ पे एंटी बनेगा और इस पैटर्न को जो हाई है उस लेवल तक इसका टारगेट रहेगा। तो टोटल जो टारगेट निकल कर रहा है इस रेंज का टोटल टारगेट है 32%। तो मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे मिलने का चांसेस है और इसी बेस्ट तरीके से टारगेट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी आपके क्या व्यू है, आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर इस तरीके से ट्रेंडिंग होने के पीछे क्या सही में कुछ रीज़न है, क्या ट्रेंडिंग हो सकता है, चलो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, इरिडा ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि इरिडा प्लान टू रेज अराउंड 29,500 करोड़। देखिए कंपनी जितनी उसका मार्केट कैप है उससे भी मतलब 50% से भी ज़्यादा कंपनी पैसे वो यहाँ पे देख सकते हैं क्या कर रहा है, कंपनी फंड रेज करने वाला है और वो भी किसके माध्यम से, आप देख सकते हैं डेप्थ ऑफ इक्विटी। तो डेप्थ इक्विटी के माध्यम से कंपनी फंड रेज करने वाला है। तो कंपनी पैसा रेज इसीलिए कर रहा है क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में जो मतलब फाइनेंस का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए घर में अगर कोई भी सोलर पैनल लगाना चाहेंगे तो उसके लिए खर्चा मान के चलिए 1 लाख रुपया से भी ज़्यादा आएगा। तो 1 लाख रुपया शायद हर किसी के पास होता नहीं है, फिर भी वो लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए कोई ना कोई कंपनी उसको मतलब एज ए इंस्टॉलमेंट के हिसाब से तो देने वाले हैं, कोई ना कोई कंपनी उसको फाइनेंस करा देंगे। तो इरिडा उसी तरीके से एक कंपनी है जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाला है। तो बाकी मेरे व्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसे कोई 100% गारंटी तो नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीज़ आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस कंपनी के रेवेन्यूज़ का ग्रोथ कभी भी कम नहीं हुआ, हर साल बढ़ते चले गए और प्रॉफिट का ग्रोथ भी हर साल बढ़ते चले गए। जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी गिर रहा है तो बहुत बड़ा फॉल आएगा, तो उसके लिए बता दूँ अगर कंपनी में दम नहीं होता तो वो अलग बात होती, तो कंपनी में दम है तो वो आगे बढ़ सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। फाइनली मुझे टाइम मिल चुका है, फाइनली मुझे वो डेटा देखने को मिला जहाँ पे मैं एक पॉजिटिव एंट्री ले सकता हूँ। तो चलो वो सबसे पहले वो डेटा आपको दिखा देता हूँ, उससे पहले एक न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर टारगेट रखा है 1250 रुपीज़ के आसपास। तो टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर 1250 रुपीज़ तक इसका टारगेट रखा है और वो किसने रखा, जे एम फाइनेंशियल लिमिटेड। तो जे एम फाइनेंशियल लिमिटेड ने एक बहुत बड़ा टारगेट रखा और मुझे लगता है इस टारगेट के बेसिस में और एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर होने वाला है। क्यों, चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर इस डेटा को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना कंपनी में दम है आगे बढ़ने का। अगर चार्ट को देखा जाए तो देखिए कंपनी जब लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके नीचे आए और लोगों के मन में यही क्वेश्चन मार्क आ गया कि कंपनी बेकार है तो इसलिए कंपनी गिरते चले जा रहे हैं। मैं बेकार फिर भी मैं कहूँगा कि किसी कंपनी को बेकार कहने से पहले कुछ पॉइंट्स को आपको जरूर याद रखना होगा। जैसे कंपनी के ऊपर जो कंटिन्यूसली सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला है उस मोमेंटम किस लिए हुआ, और दूसरी बात क्या सही में उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर माल खरीदारी नहीं कर रहा है। अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो खुद देख सकते हैं जहाँ पे FIS के पास 2% होल्डिंग था उसके बाद कंपनी होल्डिंग को बेचा गया, मतलब इन्वेस्टमेंट के टाइम में अच्छा खासा होल्डिंग था और इन्वेस्टमेंट के बाद वो सेलिंग किया तो इसलिए क्वांटिटी कम हो गया। फिर से देखिए, इंस्टीट्यूशन FIS ने क्वांटिटी को एडिंग किया और DS भी सेम टू सेम खुद के क्वांटिटी को एडिंग किया। तो ऐड कब किया जा रहा है, किस लेवल में किया जा रहा है, एकदम ग्राउंड लेवल में। तो हमेशा आपको एक बात मैं आपको बता के आया हूँ कि कोई भी कंपनी के ऊपर अगर टॉप लेवल से अगर करेंट डाउन लेवल तक 30% 40% 50% अगर करेक्शन हो गया तो वहाँ पे आपको एक चीज़ को ढूंढना है कि कौन सा लेवल में बाइंग हो रहा है। तो ध्यान से देखना, इस जगह पे देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली बाइंग हो रहा था,
मगर वॉल्यूम उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। मगर आज जो इस कंपनी के ऊपर बाइंग हो रहा है, तो वॉल्यूम देखिए कंटिन्यूसली हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा है, और जिस लेवल का मैं इंतजार कर रहा था फाइनली वो लेवल ब्रेकआउट हो चुके हैं। मतलब कंपनी देखिए बार बार इस जगह पे क्या क्या रेजिस्टेंस फेस किए, और फाइनली उस रेजिस्टेंस को हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे क्या क्या ब्रेकआउट किया। तो मुझे लगता है एक बार वो इस लेवल तक आकर रिटेस्ट करेगा, ऐसे वो बाउंस बैक करेंगे। और कहाँ तक जा सकते हैं, फर्स्ट जो लेवल रहेगा 1566 लेवल तक। तो ये लेवल तक अगर गए, एक करेक्शन होने के बाद अगर इस लेवल तक गए, तो 14% के आसपास वो जर्नी कर सकते हैं। अगर मुझे चाहिए था एक लंबा जर्नी, तो मैं इस कंपनी के ऊपर रिटेस्ट करने के बाद एक बड़ा एंट्री लेने वाला हूँ, और मैं टारगेट रखूंगा इसका लाइफ टाइम हाई तक, जो 32% के आसपास टारगेट मिलने का चांस होगा। तो मैं इस तरीके से डिसीजन क्यों क्यों लेने वाला हूँ, वो सबसे पहले आपको बता दूँ। टाटा टेक्नोलॉजी के जो मतलब ग्रोथ है, वो अगर ग्रोथ के बारे में बात करूँ, तो आप देख सकते हैं रेवेन्यूज में कोई भी चेंजेस आया नहीं है, सेम टू सेम लेवल में रेवेन्यूज है। हाँ, प्रॉफिट में भी थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर भी उतना ज़्यादा करेक्शन नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि पिछले बार 157 करोड़ का सेल्स प्रॉफिट हुआ था, इस बार 162 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मतलब देखा जाए तो कंपनी का ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस हो रहा है, कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ भी हो रहा है। इसको अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक जर्नी हो सकता है। बाकी आपके मतलब बारे में बात करूँ, मतलब आपके इस कंपनी के बारे में क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मतलब इस कंपनी के बाद लास्ट जो कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, उसका नाम है CPR फूड्स लिमिटेड, जो एक 10,500 करोड़ का कंपनी है। कंपनी के ऊपर अपडेट के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर स्प्लिट का अपडेट है 5 तारीख को, मतलब कल के दिन कंपनी हर एक के बदले आपको 5 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट के अकॉर्डिंग एक के बदले 5 शेयर पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।